प्रिंसिपल कमिश्नर गार्ड सर मंदिर को आराम करो मंदिर को खाली करो मंदिर को खाली करो प्रिंसिपल कमिश्नर गार्ड सर मंदिर की खाली करो मंदिर की खाली करो मंदिर की खाली करो कभी मंदिर टूटा कभी मस्जिद टूटी कभी घर टूटा कभी दिल टूटे आखिर ये सिलसिला कब जाकर बंद होगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही गुजरात में राधा कृष्ण का मंदिर तोड़ दिया गया अवैध बताकर और आज हैदराबाद में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जी हाँ, हैदराबाद में स्थानीय नगर पालिका ने शमशाबाद में पुलिस की मदद से यहाँ की एक मस्जिद को कथित तौर पर शहीद कर दिया है। मस्जिद ख्वाजा महमूद को सोमवार रात यहाँ RGIA साइबराबाद पुलिस के साथ नगर निगम के अधिकारियों ने कथित तौर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। मजलिस बचाओ तहरीक MBT के नेता अमजेदुल्ला खान ने ये जानने के बाद घटना स्थल का दौरा किया और ये आरोप लगाया कि ये एक बुलडोजर के साथ किया गया था, यानी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों ने मस्जिद खामा को तड़के 3 बजे शहीद कर दिया। मस्जिद शमशाबाद में ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में स्थित है। शमशाबाद में मस्जिद का निर्माण 3 साल पहले ही किया गया था और वहां नियमित रूप से 5 वक्त की नमाज अदा की जाती थी। ये कॉलोनी 15 एकड़ में बनी हुई है। वहां रहने वालों में ज्यादातर लोग मुसलमान ही है। 2016 में प्रेस्टीज इंफ्रा के ताहिर अली और तैयब अली ने मस्जिद के लिए 250 वर्ग गज जमीन के 2 भूखंडों को चिन्हित किया और इसका निर्माण किया गया था। अमजदुल्ला खान ने यह भी बताया कि शमशाबाद के एक स्थानीय निवासी विशाल सिंह ने कथित तौर पर मस्जिद के निर्माण का विरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। MBT नेता ने यह भी कहा कि इसकी वैधता पर मामला अदालत में चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों ने विशाल सिंह के खिलाफ एक और मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनका घर भी अवैध रूप से बनाया गया था। अमजदुल्ला खान ने बताया कि सत्तारूढ़ TRS सरकार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि तेलंगाना में TRS पार्टी के सत्ता में आने के बाद से कई मस्जिदों और कब्रिस्तानों को ध्वस्त कर दिया गया है। मस्जिद के विध्वंस के बाद शमशाबाद में शमशाबाद पुलिस की उपस्थिति कथित तौर पर बढ़ा दी गई है। शमशाबाद नगर पालिका आयुक्त सबर अली और स्थानीय पुलिस को बार बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि मस्जिद में पुलिस कर्मी जो है वो जब जाते हैं तो मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के लिए जब बात की जाती है तो लोग उसका विरोध करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है, इसको आप वहां पर देख भी सकते हैं। हालांकि जिस तरह से अब ये मंदिर मस्जिद का खेल सत्ताधारी पार्टी की सरकार में ही चल रहा है, अलग अलग राज्यों से ये जो खबरें निकलकर सामने आती हैं, चाहे वो आप मंदिर की बात कर लीजिए या फिर मस्जिद की बात कर लीजिए, हैं तो सभी धार्मिक स्थल ही, सब पर पूजा पाठ की जाती है, कोई अपने अनुसार करता है कोई अपने अनुसार करता है, लेकिन अवैध बताकर इस तरह से मूर्तियों को खंडित करना यानी मंदिर को तोड़ देना, एक तरफ मस्जिद को शहीद कर देना, ये अपने आप में एक बड़े ऐसे सवाल बन गए हैं जिनके जवाब तो सभी जानना चाहते हैं, लेकिन किसी में आज हिम्मत नहीं बची है कि वो सत्ताधारी पार्टी से ये सवाल कर सके कि आखिर मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। उस वक्त भी ये चीज चर्चा में आई थी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया जा रहा था, तब कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जिसमें सैकड़ों शिवलिंगों को खंडित कर दिया गया था, तब भी सत्ताधारी पार्टी को घेरा गया था बाकी विपक्ष के द्वारा, लेकिन महज सिर्फ और सिर्फ ये एक सुर्खी बनकर रह गई। उसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी जो लीगल तरीका होता है वैसे ना जवाब आया ना उस पर कार्रवाई की गई, कुछ नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाएं हवा लगने से आहत हो जाती हैं, ऐसे में अब मंदिर मस्जिद का ये जो मुद्दा है वो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि महंगाई पर सदन में चर्चा नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती है। हालांकि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो जरूर बता दिए जाते हैं कि इतने लोगों ने आवेदन किया था लेकिन इतने लोगों को ही हमने नौकरी दी है। अपनी चीजों को यानी गलतियों को बताने में जरा सा भी संकोच
होश नहीं होता है, हालांकि उनको सुधारने में और एक्सेप्ट करने में बड़ी तकलीफ होती है कि अगर हमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि ये हमसे गलती हो गई है तो उसे हमें सुधारना पड़ेगा, और गलती उससे होती है जो वाकई काम करता है। ये विपक्ष हमेशा से बोलता आया है और सदन में भी आज इसी चीज की काफी ज्यादा चर्चा रही कि गलतियां उसी से होती हैं जो काम करता है, और जो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाकर रह जाता है उससे कभी कोई गलतियां ही नहीं होती हैं, वो दूसरों में गलतियां ढूंढता रह जाता है। फिलहाल हैदराबाद में जो मस्जिद है उसे शहीद किया गया है इसको लेकर, और गुजरात में जो मंदिर तोड़ा गया था उसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।